अस्सलामुअलैकुम टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं असमा आसिफ। नौशहरो फिरोज से रिपोर्ट कर रहे हैं। शहराज खोखर, अजीम नसरी, शायर रमज़ान नोल की बरसी के मौके पर सिंधी अदबी संगत की मोरो शाख की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शायरों, अदीबों, मौकिकीन और तमाम मकाती फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। मारो जमाली, ताबिश बुखारी, हाशिम नोल, रसूल बख्श गजीराई, अब्दुल मक्सी, निसार मेमन, माशूक धारीजो, अब्दुल्ला खान जेसर, सैयद मंजूर अली शाह, बरकत मलिक, जफ़र तगर, सोज जतोई, अमजद मेमन, रज़ा लांगा, खालिद साहिल कैरियो, मुजतबा मल्ला, सिकंदर कुराई, दीन मोहम्मद सेटाई, सैयद मुख्तियार अली शाह, अनीस खास खेली, असलम लगारी, हाशिम सोलंगी, मखदूम अजहर, अजीज़ साबकी, प्रोफेसर इफ्तिखार भुगियो, नजम सहरियो, अजीज़ सोलंगी, असगर चांदी और दीगर ने कहा। नवाल नसरी में नज़म में नयापन आया है, जो तमाम शायरों की नसरी नज़म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी बाकी गैर मतबूआ किताबों को मार्केट में लाया जाए ताकि उन्हें पढ़कर कुछ हासिल हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोरों के कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, जहाँ रमज़ान नोल जैसे कीमती लोग पैदा हुए। सिंधी अदबी समाज ने मोरों का शुमार तारीख में किया है, जिन्होंने हमेशा बेहतरीन शायरों को याद रखा और उनकी इज्जत अफजाई की। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया और अपनी शायरी और नसरी नज़मों के ज़रिए दूसरों को जीना सिखाया। इस तकरीब में उनके अलावा सहाफ़ियों, शहरी दानिश्वरों और पढ़े लिखे लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। आखिर में सिंध के मशहूर शायर सहाफ़ी ज़फ़र तगर ने अपना कलाम सुनाकर मेहमानों को खूब झुमाया।